हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। आज इस ऑनलाइन सेशन में हम बात करेंगे 28 अप्रैल 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज 28 अप्रैल 2021 से जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं उनके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होता है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सूचित कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी को ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि इस महामारी से बचाव का सिर्फ यही तरीका है कि आप जितना हो सके उतना वैक्सीनेशन आप करिए। और जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में उन्हें भी आप बताइए कि वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा और सभी को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना है, और फिर जैसे ही उनको स्लॉट मिलता है उस स्लॉट में जाके उनको वैक्सीनेशन करवाना है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द किल कोरोना कैंपेन, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। पहला, मध्य प्रदेश ने रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020 पास किया, प्लस मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, चरण पादुका योजना, FIR आपके द्वार योजना, ये सारी योजनाएं लागू की गई, प्लस इंडिया का पहला हॉट बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये बांधवगढ़ में स्टार्ट की जाएगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो कैपिटल यहाँ की भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर, गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल है, केवल विधानसभा है 230 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी 1984 में, जो आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजडी किस ईयर में हुई थी और कौन सी गैस यहाँ पे लीक हुई थी। तो भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी 1984 में और जो गैस लीक हुई थी उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं यहाँ के राज्य पशु की। तो बारहसिंगा यहाँ का राज्य पशु है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ के राज्य पक्षी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पैराडाइज फ्लाई कैचर इंडिया में कहाँ पाई जाती है, तो शिवपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, तो वहां पे आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर देखने को मिल सकती है। ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, किसी एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं फिश की, राज्य मछली की। तो मैशिर नाम से ये मछली है। राज्य पशु मैंने बता दिया बारहसिंगा। अगर बात करें राज्य फूल की, तो व्हाइट लिली राज्य का फूल है। फ्रूट की बात करें तो मैंगो, और वृक्ष की बात करें तो बनियान ट्री। बांधवगढ़ हिल और महादेव हिल यहाँ पे पहाड़ियां पाई जाती हैं। डैम की बात करें तो इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पर और गांधी सागर डैम चंबल रिवर पर स्थित है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स की। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, यह भी आप ध्यान रखिएगा। एमपी की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा, पन्ना, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो शिवपुरी मैंने आपको बताई दिया, प्लस कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी, ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर बात करें नेशनल चंबल सेंचुरी की, तो यहाँ ये घड़ियाल के लिए काफी फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे घड़ियाल पाए जाते हैं। बात करें फोक डांस की, तो राय कर्मा साइला मटकी यहाँ के इंपोर्टेंट फोक डांस है। खजुराहो फेस्टिवल और बगोरिया हार्ट फेस्टिवल यहाँ पे इंपोर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इस साल की मलेरिया डे की थीम की। तो इस साल की थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये इस साल की थीम है, ये आप याद रखिएगा। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मलेरिया डे 2021। और ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जो मलेरिया
बीमारी है उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसे कम करने के लिए प्रयास करने के लिए ये मलेरिया दिवस मनाया जाता है। बात करें, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, स्मॉल पॉक्स के जो टीका है वो किसने खोजा, तो उनका नाम था एडवर्ड जेनर। कोलेरा जो बीमारी है उसका टीका खोजने वाले का नाम है लुईस पाश्चर, और पोलियो का जिन्होंने टीका खोजा उनका नाम है जोनस ई साल्क। ये आप याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम, किस राज्य सरकार ने शून्य ब्याज फल ऋण शुरू की है, तो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू की है। बात करें आंध्र प्रदेश के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में जगन्नाथ विद्या दीवेना स्कीम लागू की, जिसके अंदर वो ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के बच्चे हैं उनको उनकी फीस वापस दे देंगे। आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा स्टेट हो गया जिसने गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क स्टार्ट किया है, प्लस फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पे लागू की गई है, प्लस 400 ईवी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे टू प्रमोट गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया वाईएसआर आसरा स्कीम, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो यहाँ की कैपिटल है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। एग्जीक्यूटिव है विशाखापट्टनम, जुडिशियल है कुर्नूल और अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, 1 अक्टूबर 1953 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। बात करें 1953 से 1956 तक इसकी राजधानी रही थी कुर्नूल, कुर्नूल के बाद इसकी राजधानी बना दी गई हैदराबाद, और अब यहाँ पे तीन अलग राजधानी है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, ये आप ध्यान रखिएगा। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड द एसोसिएट अटोर्नी जनरल ऑफ अमेरिका, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का एसोसिएट अटोर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता जी को भारतीय अमेरिकी ये हैं और इनको अमेरिका का एसोसिएट अटोर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ये एक प्रोमिनेंट सोशल वहां पे जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनमें ये काम करती हैं। ये एक लॉयर है पेशे से, बाय प्रोफेशन। अब बात करते हैं यूएसए से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोरो किया है। हमारा जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूएसए से बोरो किया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स यूएसए से बोरो किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में होना चाहिए ये भी चीज हमने यूएसए से बोरो की है। प्रस्तावना प्रियम्बल भी हमने यूएसए से बोरो किया है। प्लस वाइस प्रेसिडेंट आपका जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपर हाउस हमारा है राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये भी हमने यूएसए से बोरो किया है। ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का ये शायद स्लाइड एक पीछे होगी, तो आंध्र प्रदेश के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में विधानसभा है, यूनिकैमरल है, 175 सीट्स हैं, लोकसभा की 25 सीट्स हैं, अपर हाउस की राज्यसभा की 11 सीट्स हैं। टेम्पल की बात करें इंपोर्टेंट, तो वेंकटेश्वर टेम्पल काफी फेमस है जो कि थिरुमाला में स्थित है, और झील की बात करें तो कोलेरू लेक और पुलिकट लेक, ये आपके आंध्र प्रदेश में होती है। पुलिकट लेक काफी फेमस लेक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। फेस्टिवल की बात करें तो उगाड़ी और द डेकन फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। फोक डांस की बात करें तो कुचिपुड़ी तो आपका क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, ये तो हमें पता ही है। इनके अलावा विलासिनी नाट्यम, आंध्रा नाट्यम, वीरान नाट्यम, दप्पू डांस, द लंबाड़ी और कोलाटम, ये यहाँ पे इंपोर्टेंट फोक डांस है। बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम और कृष्णापट्टनम फोर्ट यहाँ पे मिलते हैं आपको। नेशनल पार्क की बात करें तो पपीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। थर्मल पावर प्लांट जो कि काफी इंपोर्टेंट है, सिमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट और एनोर थर्मल पावर स्टेशन, ये दो थर्मल पावर प्लांट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो कोवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट ये आपके आंध्र प्रदेश में आपको सिचुएटेड है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, डेली सुबह 7:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम पूरे दिन के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस उसके साथ इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस, जहां कहीं जिस
उस करंट अफेयर्स को हम रिलेट कर पाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो को आप तो देखिए ही, अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये डेडिकेटेड है मोस्टली आपके एसएससी और रेलवेज में, और ये जो कंटेंट बनाया गया है बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। आप जैसे आप इसकी पीडीएफ मैंने कल से चालू की, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप जैसे ही इसका पढ़ोगे, पीडीएफ पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि जितने भी सारे क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्लस जो नहीं आए हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। इसराइल हैज साइंड द लार्जेस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट विद विच कंट्री। इसराइल ने किस देश के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ग्रीस। इसराइल देश ने ग्रीस के साथ सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें इसराइल की, तो मोसाद, मोसाद काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, नाम आपने सुना ही होगा। जैसे इंडिया के अंदर रो है, वैसे ही इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग में दिया जा सकता है कि आपको तीन चीजें दे दी, मोसाद दे दिया, आईसिस दे दिया पाकिस्तान का, और इंडिया का रो दे दिया, और किसी जैसे मान लीजिए आपका यूनाइटेड नेशन दे दिया, तो ओड वन आउट पूछेगा, तो उसमें आप यूनाइटेड नेशन लगा दोगे, क्योंकि बाकी तीन आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है और यूनाइटेड नेशन आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें यहाँ की कैपिटल की, तो इसराइल की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है जेरूसलम। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। ये भी आपके रीजनिंग में पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको रशियन दे दिया, फ्रेंच दे दिया, स्पेनिश दे दिया, या फिर ऐसे मान लीजिए हिब्रू दे दिया और एक और आपको कुछ और ही चीज दे दी, जैसे मान लीजिए आपको जेरूसलम दे दिया, तो वो एक सिटी हो गया, बाकी सारी आपकी लैंग्वेज है, तो ओड वन आउट में आप वो कर लेंगे। तो ये आपकी जितनी भी कैपिटल लार्जेस्ट सिटी है, ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रीजनिंग का ऐसा जरूर आता है, तो उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, यूएई बिकेम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई पहला ऐसा गल्फ कंट्री बना है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए हैं। अब बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस यूरोप में है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल यहाँ की एथेंस और करेंसी है यहाँ की यूरो। इसराइल की करेंसी की बात करें तो न्यू सेकल यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विच गैस फ्रॉम द लास्ट ऑफियर वोल्केनो हैज रीच्ड इंडिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला सोफिया ज्वालामुखी से कौन सी गैस भारत पहुंची है? तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला सोफिया ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भारत पहुंची है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ला सोफिया, जैसे कि ये वोल्केनो आपके करंट में है, काफी चर्चा में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये कहां पे स्थित है। तो जैसे वेस्ट इंडीज, हमें पता ही है वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, ये एक बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। जैसे आपकी क्रिकेट टीम है वेस्ट इंडीज, तो वो एक कोई देश नहीं है, वो बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सेंट विंसेंट वहां पे एक जगह है, तो सेंट विंसेंट वेस्ट इंडीज, ये इसकी लोकेशन वहां पे स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। बात करें इंडिया के इंपॉर्टेंट जो वोल्केनोज है उनके बारे में, तो बैरन आइलैंड एकमात्र एक्टिव वोल्केनो इंडिया में पाया जाता है। और बात करें सभी वोल्केनोज की, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड और बारातंग, ये तीनों आपके अंडमान आइलैंड्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डेकन ट्रैप्स की, ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। दिनोदर हिल ये गुजरात में, और धोसी हिल हरियाणा में आपके पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे मनाया गया था जिसकी थीम थी The ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज की, कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये आपकी
मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता है इनका बुरा, तो इसमें आप ओजोन ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे ओजोन हमारा सुरक्षा भी करती है जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, बट ये ग्रीन हाउस गैसेज में आती है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो N2O है, ये लाफिंग गैस के नाम से इसे जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। बायोगैस में आपके मीथेन काम आती है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ 3 मंथ इमरजेंसी, किस देश ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है? तो उस देश का नाम है जापान, जापान ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है। बात करते हैं जापान की, तो टोक्यो यहाँ की राजधानी है, करेंसी है यहाँ की जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर है योशीहिदे सुगा, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अब ये आपातकाल जो इन्होंने लगाया ये कोविड को ध्यान में रखते हुए लगाया है, और अभी हाल ही में हमें पता है कि समर ओलंपिक्स होने वाले हैं, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स होने वाले हैं जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में होंगे, तो उसके हिसाब से ये हो सकता है कि कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तब तक तो इन्हें कंट्रोल करना ही पड़ेगा क्योंकि काफी बुरी हालत हो सकती है, तो इसलिए इन्होंने हो सकता है लॉकडाउन लगाया हो कि तब तक स्थिति नॉर्मल आ जाए और वो सारा खेल बाधित ना हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जापान से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया ने अभी हाल ही में फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था ला पेरोस, अगर इसकी लोकेशन पूछ रहे तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये हुआ था, और इंडिया ने इसमें भाग लिया था किन 3 देशों के साथ? जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए के साथ, ये आप ध्यान रखिएगा। फुगाकू, दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ये भी जापान ने बनाया है अभी हाल ही में। जापानीज रिसर्चर्स क्या करने वाले हैं, 2023 तक लकड़ी के बने सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। प्लस शिंजो आबे जो कि हम इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नरेंद्र मोदी को जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है, और स्कॉट मॉरिसन को जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, इन तीनों को डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। लीजन ऑफ मेरिट इन तीनों को अवार्ड दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू एग्जामिन द रोल ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है सुदर्शन सेन। सुदर्शन सेन जी की अध्यक्षता में आरबीआई ने एक समिति का गठन किया है जो कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका की जांच करेगी। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगर आपसे एक्ट पूछ लिया जाए कि आरबीआई कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी, तो उसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये ध्यान रखिएगा, स्थापना हुई थी 1935 में, लेकिन एक्ट था 1934 का। बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर है यहाँ के शक्तिकांत दास। डिप्यूटी गवर्नर्स यहाँ पे 4 हैं, उनके नाम है बीपी कनुंगो, एसएमके जैन, एमडी पात्रा एंड एमआर राव जी। बात करते हैं हिस्ट्री की, तो स्टार्टिंग में ये प्राइवेट बैंक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, इन विच ईयर आरबीआई हैज बीन नेशनलाइज्ड? सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1949 वुड बी द करेक्ट करेक्ट आंसर, और उसके बाद ये फुली ऑन कर लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आरबीआई हैज बीन सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, तो उस कमीशन का नाम हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई हैज बीन सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ये आप ध्यान रखिएगा। विच कंपनी विल क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क इन इंडिया, कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्ज नेटवर्क बनाएगी? तो उस कंपनी का नाम है ओला, हम भली भांति परिचित है ओला से, तो ओला कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्ज नेटवर्क बनाएगी। तो बात करते हैं इंपोर्टेंट कंपनीज और उनके सीईओ के बारे में, तो अमेजोन के हैं जेफ बेजोस, अमेजोन वेब सर्विसेज के एंड्रयू आर जेसी, ये ध्यान रखिएगा, अमेजोन अलग है, अमेजोन वेब सर्विस अलग है, तो अमेजन वेब सर्विस के हैं
एंड्रू आर जेसी और अमेजोन के हैं जेफ बेजोस। एप्पल की बात करें तो टिम कुक वहां के सीईओ हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रोम हैं, ये आप ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। पेटीएम के हैं विजय शेखर शर्मा, मास्टर कार्ड के हैं अजयपाल सिंह बंगा, टेस्ला के एलन मस्क हैं, द बोरिंग कंपनी के एलन मस्क है और स्पेस एक्स के एलन मस्क है, और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। ये आपसे रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए तीन कंपनी दे दी आपको, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी और स्पेस एक्स, और एक दे दिया आपको और कोई कंपनी दे दिया जिसके बारे में आपको नहीं पता कि जिसका सीईओ कौन है। अब अगर आपको ये टिम बोरिंग कंपनी नहीं पता होगा तो आप ऑड वन आउट नहीं कर पाओगे, दो ऑप्शन में फंस जाओगे। तो इसलिए ये एलन मस्क काफी चर्चा में है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे जितने क्वेश्चन हो सके सारे मैं यहाँ पे पुट करता रहूँ। वेयर हैज इटली स्टार्टेड इट्स मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया? इटली ने भारत में अपनी मेगा फूड पार्क परियोजना कहाँ शुरू की है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में इटली ने भारत में अपनी मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है। मैंने कुछ दिनों पहले आपको जब मैं विदिन 5 मिनट्स केवल वन लाइनर्स कराता था उस समय मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सा देश भारत में अपना पहला फूड पार्क परियोजना शुरू करने वाला है, तो उसका आंसर था इटली। अब ये उन्होंने गुजरात में स्थापित करने का निर्णय उन्होंने लिया है, और इसका उद्देश्य क्या होगा इस परियोजना का, जो दोनों देश हैं वहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है। अ वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट हैज बीन इनोग्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच लेक इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में किस झील के किनारे एक जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी लेक। उत्तराखंड में टिहरी लेक के किनारे एक जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान ए वॉटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। अब एक मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे इनोग्रेटेड, मैं जब ये कंटेंट बना रहा था तो मैंने इनोग्रेटेड की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो तब मेरे को ध्यान में आया ये आपके इंग्लिश में पूछा जा सकता है इनोग्रेटेड की स्पेलिंग। तो आप इसकी स्पेलिंग एक बार देख लीजिए अच्छे से। आई एन, यहाँ पे ये जो यू है ये मैंने नहीं लिखा था, ये यहाँ पे जी के बाद ये यू नहीं लिखा था, तो ये आप ध्यान रखिएगा जी के बाद भी यू आता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियोज और इसका कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे कम टाइम में ही देख लेते हो, 16 से 17 या लास्ट 20 मिनट की ये वीडियो होती है, बट इसका कंटेंट बनाने में मेरे को लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप सभी से मेरे को सपोर्ट की उम्मीद है, तो प्लीज काफी सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।